मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज टाइम पे मेरा फेस तो डल था ही, लेकिन मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा डल थी, क्योंकि मैंने कभी सनस्क्रीन उतना सीरियस होके लगाया नहीं। लेकिन अभी आप लाइव मुझे देख सकते हो मैंने बहुत काम करके अपनी स्किन टोन को इम्प्रूव किया है, बॉडी में भी बहुत अच्छा ग्लो लाया है। तो मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो मैं आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी में और अपने फेस पे, यू नो, जब भी मुझे टैनिंग हो जाती है। तो सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताऊँगी जो आप भी आराम से यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है एंड डल हो गई है स्किन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं बताने वाली हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या पता आपके भी काम आ जाए। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला प्रोडक्ट है बॉडी स्क्रब। तो मैं आपको बॉडी स्क्रब में दो ऑप्शन देती हूँ। सबसे पहले है क्विकर का ये ओट्स, ये मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया, इसको मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ एंड इसको स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि पाउडर कभी ख़राब नहीं होता। एंड फिर उसके बाद हफ्ते में दो बार या फिर अगर मैं बिजी रहती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पानी डालती हूँ उस पाउडर में थोड़ा सा, एंड अपनी पूरी बॉडी एंड इवन फेस में भी लगा के अच्छे से स्क्रब करती हूँ। बेस्ट है ये, इसको कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत पहले से इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर मान लो आपको ये क्विकर का नहीं यूज़ करना, तो मैं आपको आप दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, वो है ये बायोटिक का स्क्रब। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको मैंने एक बार यूज़ किया था अपनी एक वीडियो में बताया था, उसके बाद से मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इसको भी फिर से मंगाऊंगी। ये भी बहुत अच्छा है अगर आपको ओट्स वाला यूज़ नहीं करना है। तो मैं दोनों प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके इसके बाद देखें। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद से आई थिंक मैंने उसमें अपनी बॉडी में बहुत अच्छा डिफरेंस देखा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो वो है बेस्ट फेस एंड बॉडी पैक। मैं हर बार स्क्रब के बाद पूरे फेस एंड बॉडी में कोई सा भी एक फेस पैक लगाती हूँ, या तो घर में बना के या तो मार्केट वाला कोई सा एक खरीद के लगाती हूँ। तो मैं अपने दो ऑप्शन देती हूँ जो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ हफ्ते में एक या दो बार। सबसे पहले ये वाइल्ड ऑर्गेनिक का क्ले पाउडर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसको भी मैंने एवे ही मंगाया था, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरी गंदगी निकाल देता है। अगर दूसरा ऑप्शन आपको चाहिए तो इसी ब्रांड का वाइल्ड ऑर्गेनिक का मुल्तानी मिट्टी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैंने यूज़ किया। अगर मेरे पास वो पहला वाला ख़त्म हो जाता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर दोनों में से मुझे एक चूज़ करना हो, जो टॉप मेरा फेवरेट है वो क्ले पाउडर वाला ही है। क्यों? क्योंकि वो कम क्वांटिटी में ही ना आपका पूरा काम हो जाता है एंड लंबे टाइम तक चलता है। अभी मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं फिर से उसको ऑर्डर करने वाली हूँ, कि मेरा फेवरेट हो गया है वो, पूरी गंदगी भी वो अच्छे से निकाल देता है, मैं पूरे फेस एंड बॉडी में लगाती हूँ। तो दोनों अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई एक चूज़ करना है, आप बिगनर हो ना, तो वो क्ले पाउडर वाला ट्राई करो। दोनों का मैं डाल दूंगी, आप जाके इसके बाद देख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो है विटामिन सी बॉडी लोशन। इसमें भी मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसको भी मैंने एवे ही मंगाया था, ये वैसलीन वाला, मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया, इसको एवे ही मंगाया था मैंने और लगाने के बाद अभी मेरा फेवरेट हो गया, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। इसको मैं फेस पे एंड बॉडी में लगाती हूँ, इसमें विटामिन सी है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन देती हूँ, ये डॉट एंड की का बॉडी लोशन, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने दोनों ट्राई किए हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो वैसलीन वाला ट्राई करो, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है एंड उसको आप लगाओगे ना आपको खुद पसंद आ जाएगा, एकदम लाइट वेट है। लेकिन डॉट एंड की वाला भी अच्छा है, तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, मतलब आपको जो अफोर्डेबल लग रहा है। उसका सारे प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इस वीडियो के बाद जाके देख लें। अभी ये नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने 2023 से यूज़ करना चालू किया एंड मैंने बहुत अच्छा डिफरेंस देखा, तो अब मैं इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में करती हूँ। वो है बॉडी ऑयल। तो बॉडी ऑयल में बस मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी को मैं यूज़ करती हूँ, वो है ये प्लम का। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कपकेक जैसी है, एंड इसको लगाने के बाद बॉडी में पूरा ग्लो आ जाता है एंड हाइड्रेटिंग फील होती है स्किन, ठीक है। इसी को मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़ बॉडी लोशन के बाद। एंड मान लो आपको इस ऑयल के बारे में थोड़ा और जानना है ना, तो मैंने इससे बहुत पहले इससे रिलेटेड रिव्यू वीडियो बनाई थी यूज़ करने के बाद, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके इसके बाद देख लें। अब ये वाला प्रोडक्ट मैं सोच रही थी कि ऐड करूँ कि नहीं, लेकिन आजकल इसको सबको यूज़ करते हैं, तो मैं अपना बता देती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। वो है बॉडी मिस्ट। मैं ये प्योर साइंस का बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ। अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो ना, जो मतलब आप थोड़ी अलग फ्रेग्रेंस चाहिए, तो ये वाले जाओ बॉडी मिस्ट के, ये वाले ब्रांड के में जाओ, क्योंकि इसकी अच्छी बात मुझे ये नहीं लगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे चलता ही है, फिर इसकी खुशबू गायब हो जाती है। इसलिए मैं इसको सिर्फ घर में यूज़ करती हूँ। लेकिन इसकी बेस्ट पार्ट मुझे बताऊँ क्या लगी, कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा यूनिक है।
अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो मतलब आपका परफ्यूम, मतलब जब आप रूम में घुसो तो पता चलना चाहिए कि वो आपका परफ्यूम सिग्नेचर परफ्यूम होता है ना, वैसे तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू थोड़ी अलग है। तो ये वाले ब्रांड के साथ आप जा सकते हो, मैं इसी का यूज़ करती हूँ, मेरी तीसरी या चौथी बॉटल होगी। तो मैंने इस पर रिव्यू वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो, एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं उस प्रोडक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप दोनों का इसके बाद जाके देख लें। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है ना कि मैं कैसे ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक या दो बार, तो इस वीडियो में जाके देखना, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया अपना रूटीन जो मैं हफ्ते में एक या दो बार फॉलो करती हूँ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, इसके बाद जाके देख लेना। एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अपना प्यार दे के जाना, ठीक है, एंड और भी वीडियोज आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।